जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट फवाद पवार। आज आपके साथ एक नॉलेज की बात शेयर करने को दिल कर रहा था। अभी पिछले दिनों बड़ा सानहा मरी में हुआ, लोग बर्फ़ में फंस गए। इसी तरीके से आप विजिट पे या किसी ऐसी जगह पे होते हो कि आप प्रॉब्लम में होते हो, आपको आग जलानी होती है और आपके पास मैच बॉक्स में सिर्फ एक दो तीलियाँ रह गई हैं, तो बग़ैर माचिस के बॉक्स के आप कैसे ये आग जला सकते हैं? तो सबसे पहले तो हाथ भी आपके खुश्क होने चाहिए। दूसरे नंबर पर जो मैंने आपको बता रहा था कि लाजमी तौर पे जो ये मैच बॉक्स है, ये मैच स्टिक जो है, ये इस पर भी नमी ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं है ये, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और आप कहीं पे भी आसानी के साथ इस एक एक तीली को करामत बना सकते हैं बग़ैर मैच बॉक्स के। तो आपने करना ये क्या है कि टेक्निक इसकी यही है कि आपने इसको जब रब करना है ना किसी भी सरफेस के साथ, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, तो आपने क्या करना है कि इसके पीछे ये उंगली को यहाँ पे रखना है, और जब ये आप ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। जिस तरह अभी ये मैं आपको मुख्तलिफ जगह पे चला के दिखाता हूँ, ये देख लें जी, ये जल रही है आराम से। ये क्या है कि ये लोहे का एक सरफेस है, तो आपके लिए लोहा होना ज़रूरी नहीं। अब मैं आपको लकड़ी के ऊपर भी चला के दिखाता हूँ इसे। अब ये लकड़ी के ऊपर भी आपके सामने जला दी है, ये चिप्स लगी हुई है दो सीमेंट के ऊपर भी, लेकिन ये नमी वाली जगह ना हो, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ पे भी जलेगी। ये देखें, इवन आल तो ये आप शीशे और ग्लास के ऊपर भी इसको इस तरीके से जला सकते हैं। तो ये इसके लिए सिंपल सी टेक्निक है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो